बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अभिषेक बच्चन की मंगनी अदाकारा ऐश्वर्या राय से कबल अदाकारा करिश्मा कपूर से हुई थी। भारतीय मीडिया पर अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के दरमियान अलहदगी की खबरें गुज़श्ता साल से गर्दिश कर रही हैं और इन खबरों पर इस जोड़ी की जानिब से अभी तक कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। इसीलिए आजकल ये जोड़ी भारतीय मीडिया की खसूसी तवज्जो का मरकज बनी हुई है और इस दौरान इनके माजी की भी कई खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऐश्वर्या राय के साथ शादी से कबल अभिषेक बच्चन अदाकारा करिश्मा कपूर की मोहब्बत में गिरफ्तार थे। दोनों के दरमियान 5 साल तक करीबी ताल्लुकात रहे, लेकिन मंगनी के बाद जब करिश्मा का शोबिज करियर अपने उरूज पर था तो दोनों की राहें जुदा हो गईं। रिपोर्ट में बताया गया कि करिश्मा कपूर की वालदा बबीता कपूर और अभिषेक बच्चन की वालदा जया बच्चन का इस रिश्ते को ख़त्म करने में अहम किरदार है। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर दोनों ख़ानदान खुश थे, लेकिन बाद अज़ां इस रिश्ते को ख़त्म करवा दिया गया, जिसकी वजह से जया बच्चन की ये शर्त थी कि करिश्मा कपूर शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि बबीता कपूर इस शर्त से मुत्तफिक नहीं थी और अपनी बेटी के फलते फूलते करियर के बारे में फ़िक्रमंद थी। इसीलिए इन्होंने इसरार किया कि करिश्मा कपूर के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अमिताभ बच्चन की कुछ जायदाद अभिषेक बच्चन के नाम कर दें। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त अमिताभ बच्चन कर्ज में भी डूबे हुए थे, इसलिए वो अपनी बेटी को ऐसे खानदान में शादी करके रुख्सत करते हुए घबरा रही थीं।